दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो मैं बाहर आ चुका हूँ रोड पे, ठीक है। और पीछे देखो अभी भी फॉग ही फॉग दिख रहा है, देखो पता ही नहीं चल रहा है वहाँ पर आगे पीछे क्या है ना, काफ़ी फॉग है। अभी जाने वाला हूँ गुप्त भीमा शंकर, ठीक है। वहाँ पर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, 10-5 मिनट की वॉक पे ही है। बट आपको बताओ, इतना फॉग होने के बाद भी ना ऐसा उतनी ठंड तो है नहीं, जिस हिसाब से इतना फॉग है ना उस हिसाब से इतना यहाँ पे ठंडी लग नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी ऊपर है ना, सह्याद्री पर्वत है ये, ठीक है। तो इसके ऊपर है भीमा शंकर का जो मंदिर है, यहाँ पर स्थापित है। बट इतनी ठंडी है नहीं, बस पूरा फॉग फॉग ही है, ठीक है। तो अभी थोड़ा चाय पीता हो, अंदर से खुद को गर्म करता हो, ठीक है। तो इसके बाद चलते आगे। और देख रहा हूँ अभी बज रही है 7, तो अभी सब कुछ बंद है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप, जैसे मैंने आपको बताया, रूम आपको मिल जाएंगे सस्ते सस्ते, बट थोड़ा कंडीशन किसी किसी कहाँ अच्छा है, कहीं पर अच्छा नहीं है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो चलो अभी जाते हैं यहाँ पे चाय पीते। तो चलो दोस्तों, नाश्ता हो गया अपना और अभी हम लोग जा रहे हैं गुप्त भीमा शंकर, ये भीमा शंकर मंदिर के लिए, और यहीं से अपने को एंट्री है गुप्त भीमा शंकर के लिए। दोस्तों मैं अभी फिर से दर्शन करने वाला हूँ भीमा शंकर भगवान जी का, क्योंकि अभी लाइन कम है, तो फटक के थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो वापस एक बार दर्शन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो एंड उसके बाद जाएंगे गुप्त तो भीमा शंकर देखने के लिए। तो दोस्तों फिर से दर्शन करने को मिल गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं आगे गुप्त तो भीमा शंकर देखने के लिए, ठीक है चलो। तो दोस्तों पीछे ही मंदिर है भीमा शंकर जी का मेन मंदिर, और यहाँ पर आप जैसे बाहर आशीर्वाद लोगे तो यहाँ पे एक कुंड भी है, ठीक है। कुंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये कुंड है, और ये रहा मंदिर। अब चलते हैं गुप्त भीमा शंकर की तरफ, जो आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ से रास्ता है, पहाड़ों के बीच में है, तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे दर्शन करेंगे। और पीछे भीमा शंकर जी का मंदिर था जहाँ पे हम लोग ने अभी दर्शन कर लिया है, ठीक है। कल रात में भी किया और अभी भी किया, तो अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का भी ऐसा आया कि इसका नाम कैसे पड़ा होगा भीमा शंकर, है ना, आता ही होगा। तो जैसे बताते हैं शिवपुराण के अनुसार बताया जाता है कि जब भीमासुर जो नाम का राक्षस था, उसको उसका वध करने के लिए जब यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो गांव वालों ने बोला था कि आप मत जाओ, यहीं पर रह जाओ, तो इस ज्योतिर्लिंग में ये यहाँ पर ही बस गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे भीमा शंकर पड़ गया जगह का नाम, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, पर सही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आप पीछे देखोगे एक ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज से नहीं जाना है अपने को, यहाँ से जाना है पीछे साइड से, उसके जस्ट बाजू में ही है, राइट साइड में, ठीक है। तो चलो, तो इसी तरफ जाना है आपने, ठीक है। माइट भी हो सकता है कि 1 या 1.5 घंटे का ट्रैकिंग अपने को करना पड़ सकता है, ऐसा सुना है, पर देखते हैं अभी क्या है, जब फील करेंगे तभी पता चलेगा। चलो, दोस्तों मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पत्थर पे सब मार्क बने हुए हैं, कैसे क्या जाना है ना, वहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, ये सब लगाया हुआ है, ठीक है। तो चलते आगे। ठीक है, तो आपको ऐसे डायरेक्शन देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी लंबा ट्रैकिंग तो है,
20-30 मिनट का अपने को वॉक करना पड़ेगा। और जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों इस मोमेंट को फील करो आप। गाना में वहाँ है और ये देखो, कसम से कुछ चीज़ें हैं ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती, जो हम लोग रियल आंखों से देखते हैं ना वो व्यू और कुछ अलग ही लगता है। आप देख रहे हो फॉग, ये देखो तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये वाटरफॉल देखो वहाँ से आ रहा है और काफी प्यारा लग रहा है ये। कमाल का व्यू है यार। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ गणेश भगवान जी के मंदिर के पास, जहाँ पर बताया जाता है कि जब भगवान शिव भस्मासुर का अंत कर रहे थे तभी यहीं पर गणेश जी ने भी उनको देखा था, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर इनका नाम भी लिखा है उसे साक्षी विनायक गणपति, कि भगवान खुद साक्षी है कि उन्होंने खुद देखा है वो चीज़ें, इसकी वजह से यहाँ पर ये मंदिर है। और जिसके जस के सामने ही हनुमान भगवान जी का भी मंदिर है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग थोड़ी सी दूर पर ही है गुप्त भीमा शंकर देखने के लिए, ठीक है चलो। तो दोस्तों अभी चलते आगे, चलो ओम नमः शिवाय। आई थिंक अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, भगवा रंग हिंदू सनातन धर्म की पहचान, ठीक है। देखो फिर से वापस हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा और आते वक्त शायद हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि अभी तक तो थक लगी नहीं है, बट जब हम लोग वापस जाएंगे घर की तरफ तो शायद थकान आने वाले, क्योंकि ये सब अभी सीढ़ी है। यहाँ पर एक झरना फिर से हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि गुप्त भीमा शंकर झरने के पास में ही है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्या नज़ारा है ये। तो ये जो झरना हमें अभी आगे मिला था वही वाला झरना है, और यहीं से नीचे आई थिंक शिवलिंग है। व्यू देखो आप लोग, और नीचे ही शिवलिंग है, ठीक है। तो अभी चलते हैं शिवलिंग के पास और दर्शन करते हैं।
दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तो ये है गुप्त भीमा शंकर, आप लोग देख सकते हो शिवलिंग, तो शिवलिंग है। ये वैसे इसका नाम गुप्त है, गुप्त भीमा शंकर। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों गुप्त भीमा शंकर के भी दर्शन हो गए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं भीमा शंकर मंदिर की तरफ, अगर टाइम मिला तो हनुमान लेक भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरी ट्रेन भी है 3 बजे की पुणे से अपने मुंबई जाने के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं टाइम मिला तो हनुमान लेक का भी दर्शन करते हैं। बाकी मज़ा तो आया यहाँ पर गुप्त भीमा शंकर में, और आप लोग देख सकते हो रास्ता, देखो अभी कैसा है।